हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2। और उसके पहले हम लोगों ने परमुटेशन स्टार्ट किया था। परमुटेशन में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि परमुटेशन बेसिकली क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इन ए डिफिनिट ऑर्डर, मीन्स किसी ऑर्डर में किसी चीज़ को अरेंज करना, उसी को हम लोग कहते थे परमुटेशन। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे परम्यूटेशन, जब आपके सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, मीन्स डिफरेंट हों, या फिर उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हों, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हों, इस तरीके की सिचुएशन हो, या फिर आपके सभी ऑब्जेक्ट्स सेम हो, हम लोग कुछ ये केस वाइज स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए परमुटेशन को हम लोग डिनोट कैसे करते थे। एनपीआर हम लोगों ने लास्ट क्लास में फैक्टोरियल पढ़ा था, फैक्टोरियल हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा। एनपीआर, एनपीआर आपका क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। सिर्फ इतना कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे आपको आर की कंडीशन पता होनी चाहिए। आर जो होता है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू एन, मीन्स आर आपका जीरो या जीरो से बड़ा होगा और एन से छोटा होगा, एन से छोटा होगा आर। बस आर की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है, नहीं तो एन से छोटा होगा। मीन्स कहने का मतलब ये है एन से बड़ी पॉसिबल वैल्यू पॉसिबल नहीं है आर के लिए। आप लोग ऐसे समझिए, अगर मैं आप लोगों से पूछूँ 3p2 तो आप लोग क्या बोलेंगे, एन पी आर से कंपेयर कीजिए, एन आपका 3 हो गया, आर आपका 2 हो गया, आर लेस देन इक्वल टू 3 है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो आप क्या लिखेंगे, एन फैक्टोरियल मीन्स 3 का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये आपका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6। अगर मैं आपसे बोलूँ 4p2 तो इस बार आप क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसलिए हम लोगों ने फैक्टोरियल पहले पढ़ा था, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 बाई 2 कितना हो जाएगा 12। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 2p3 पॉसिबल है क्या, 2p3 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू n से बड़ी है, सॉरी हाँ, R की वैल्यू क्या है आपका, R की वैल्यू N से बड़ी है, लेकिन R की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू N, तो R क्या हो गया N से बड़ा हो गया, तो 2p3 नहीं पॉसिबल है। आप लोग ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, क्या लिखते हैं इसको, 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है हम लोग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, फैक्टोरियल जो है हम लोग निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ रहे हैं, एन पी आर से आप भी नोट कर सकते हैं, या फिर आपको कई जगह ऐसे लिखा हुआ मिलेगा पी एन कॉमा आर, इसका भी मतलब यही है, एन पी आर इसका भी मतलब यही है, पी एन आर कई बार आपको ऐसे मिलेगा, पी 3.2 P3.2 यही सेम चीज लिखा हुआ है। आप 3P2 लिखिए या फिर PNR करके P32 लिखिए, दोनों का डिनोशन सेम है। NPR मोस्टली जो हम लोग NCERT या फिर जो रेफरेंस बुक हम लोग लगाते हैं वहां पे यही डिनोट किया जाता है, NPR, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। PNR भी आपका यही होता है, PNR आपका क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, यही आपका होता है परमुटेशन, परमुटेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम लोग क्या लगाएंगे, एनपीआर फार्मूला है, बाकी आप लोग फार्मूला जानते रहिए, बाकी हम लोग लगाएंगे वही बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग फार्मूले से सवाल नहीं करेंगे, फार्मूले से करेंगे जहां जरूरत होगी, जहां डायरेक्ट लग रहा होगा वहां लगा देंगे, नहीं तो बाकी हम लोग अपना सोच करके बिना फार्मूले से करेंगे। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ रहे हैं परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। आप लोग ऐसे मान लीजिए हम लोगों ने एक वर्ड से फॉर्म किया था क्राय, CRY, हम लोगों ने बोला था कि 3 लेटर वर्ड से कितने वर्ड बना सकते हैं, इस 3 CRY 3 लेटर्स हैं इसमें, इन 3 लेटर से हम लोग कितने वर्ड बना सकते हैं विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो बेसिकली है क्या, ये CRY को हम लोग कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक बार R यहाँ पे आ जाए, C यहाँ पे चला जाए, Y यहाँ पे आ जाए, C यहाँ पे चला जाए, R यहाँ पे चला जाए, C यहाँ पे आ जाए, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यही तो कर रहे थे हम लोग। 3 लेटर्स वर्ड था, 3 लेटर्स में 3 लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एनपीआर में आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, टोटल ऑब्जेक्ट्स आपके पास एन है, उसमें से हम लोग कितने को अरेंज कर रहे हैं, 3 को, आपके पास कितना है, एन है, कितने को अरेंज कर रहे हैं, आर, सॉरी एन है, एन ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग आर ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स हैं,
थ्री लेटर्स हैं आपके पास, और कितनों का अरेंजमेंट करना है, तीनों का करना है, तो 3p3, 3p3 आपका कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, मैं नोट करके लिखाया था यहाँ पे प्रीवियस क्लास के पहले, 0 फैक्टोरियल आपका कितना होता है 1, तो नीचे क्या आ जाएगा 1, ऊपर कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब होता है 6, और 6 ही वर्ड बनेंगे इससे, आप वैसे भी अरेंज कर लीजिए 3 फैक्टोरियल, 4 लेटर्स होता तो ये आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सभी लेटर्स आपके डिस्टिंक्ट हैं, सी आर वाई रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, वही लिखा हुआ है, वेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, सभी ऑब्जेक्ट्स आपके कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर मैं अभी बोल दूँ स्मॉल एस एम ए डबल एल, यहाँ पे देखिए आप एल रिपीट कर रहा है, सभी ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट नहीं है, सभी ऑब्जेक्ट्स आपके डिस्टिंक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे अब एन पी आर नहीं लगाएंगे, एन पी आर कहाँ वैलिड है ये समझिएगा, वेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, जब आपके सभी ऑब्जेक्ट्स कैसे हो डिस्टिंक्ट हो तभी आप एनपीआर लगाइएगा, इस केस में आप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एल रिपीट कर रहा है, हम लोग अभी ये भी समझेंगे यहां क्या लगाएंगे। आप अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी समझा है अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, हम लोग इस वाले केस के लिए डिस्कस करते हैं, लिख लीजिए आप लोग। देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एन की पावर आर, हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन किया था, काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे हम लोग, वर्ड्स लिए थे जिसमें हम लोग ये बोल रहे थे रिपीटेशन अलाउड हो सकता है और रिपीटेशन नहीं भी अलाउड हो सकता है, डिजिट्स ले रहे थे, अगर रिपीटेशन अलाउड होता था तो हम लोग डिफरेंट तरीके से करते थे, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता था तो हम लोग डिफरेंट तरीके से करते थे। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, चलिए मान लीजिए हम लोग एक वर्ड मान लीजिए चलिए कोई भी वर्ड ले लेते हैं, चलिए हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं इंटीग्रल, यहाँ पे क्या है आपके सभी लेटर्स आपके डिफरेंट हैं, आई एन टी ई जी आर ए एल, कोई भी लेटर्स आपके रिपीट नहीं कर रहे हैं एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अगर मैं आपसे बोलूँ आप इन लेटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस 8 लेटर की हेल्प से आप कितने वर्ड बना सकते हैं विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग। पहला केस हम लोग ले लेते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो हम लोग क्या करते थे आप लोग बोलिए, रिपीटेशन नॉट अलाउड तो हम लोग क्या करते थे, 8 लेटर्स को बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं आने के, रिपीटेशन नहीं अलाउड है तो यहाँ पे कोई भी एक वर्ड आ जाए 8ों में से, तो यहाँ पे 8 ऑप्शंस हैं, या तो आई या तो एन टी ई जी आर ए एल, कोई भी आएगा, कोई भी एक लेटर आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो जो लेटर यहाँ पे आ गया है अब वो यहाँ पे नहीं आएगा, अब इसके पास कितने ऑप्शंस हैं 7, जो एक लेटर यहाँ पे आया है वो उस एक लेटर को छोड़ के बाकी लेटर्स यहाँ पे आ सकते हैं। सिमिलर यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने ऑप्शन है 5 4 3 2 1, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपका 8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 8 फैक्टोरियल बेसिकली है भी क्या, इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से आप इन 8 लेटर्स को अरेंज करेंगे उतने ही तो वर्ड बनेंगे। एक बार ई यहाँ पे रखिए, यानी यहाँ पे ए यहाँ पे एल यहाँ पे, एक बार टी यहाँ पे, आर यहाँ पे, आई यहाँ पे, आप चेंज करते रहिए, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, एक बार इन दोनों को चेंज कर दीजिए, बेसिकली आप कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, जितने तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं उतने ही तो वर्ड्स बनेंगे, तो 8 फैक्टोरियल अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान से देखिएगा रिपीटेशन अलाउड है, आप लोग ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, रिपीटेशन अलाउड है, इस बार क्या है रिपीटेशन अलाउड है, चलिए अब देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ड्स बनाना है, अब रिपीटेशन अलाउड है, इन 8 लेटर में से कोई एक लेटर यहाँ पे आ जाए तो कितने ऑप्शन है इसके पास 8, अब रिपीटेशन अलाउड है, ध्यान से सुनिएगा रिपीटेशन अलाउड है तो जो लेटर यहाँ पे आया है वो लेटर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मीन्स आपके आपका ये भी पॉसिबल है, आई 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 8 बार लिख दीजिए, ये वाला केस भी पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला केस भी पॉसिबल है, मीन्स लेटर्स आपके रिपीट कर सकते हैं, आप ऐसे एन 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 टी 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 टी, ये वाला भी केस अब अलाउड है, तो यहाँ पे 8 ऑप्शन हैं, इसके पास भी 8 ही ऑप्शन होंगे, रिपीटेशन अलाउड है, इसके पास भी 8 8 8 8 8 और 8, ध्यान से देखिए जब आप इसको प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या लिखा हुआ है 8 की पावर में 8,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट इंटू जब आप एट टाइम्स करेंगे, एट की पावर एट लिखा हुआ है, यही बोल रहा था। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड एन की पावर आर। एन मीन्स आपके कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप लोग ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग जिस चीज पे, जिस चीज को सॉल्व कर रहे हैं, फिर जिस चीज को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, आई एन टी ई जी आर ए एल, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कितने कितने लेटर्स को हम लोग लेके अरेंज कर रहे थे, एट लेटर्स को, पूरे एट लेटर्स को। तो कितना हो गया, एट की पावर एट। अगर मैं बोलता हूं इनके फाइव लेटर से वर्ड बनाना है, इनके फाइव लेटर से वर्ड बनाना है, तो आप लोग क्या करते, पहले ये हम लोग अभी कॉम्बिनेशन में देखेंगे, पहले हम लोग पांच लेटर को सिलेक्ट करते, फिर उसके बाद पांच फैक्टोरियल से अरेंज करते। तो चलिए बेसिकली ये आप लोग इसको लिख लीजिए, आप लोगों ने जो भी समझा है, मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता था इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप लोग इसको लिखिए, एक केस हम लोग और डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लिख लीजिए आप लोग इसको, अब हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मीन्स अब सभी ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट हो, कोई जरूरी नहीं है। अब तक हम लोग परम्यूटेशन निकाल रहे थे किसमें, जो आपके ऑब्जेक्ट्स क्या होते थे, सभी ऑब्जेक्ट्स जब डिफरेंट होते थे, ऑब्जेक्ट्स आपके सेम नहीं होते थे, अब हम तब परम्यूटेशन लगा रहे थे। परम्यूटेशन हम लोग क्या लगाते थे, एन पी आर, एन क्या है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं ये नहीं लिखाया था आप लोगों को, सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्शन हम लोग कॉम्बिनेशन में देखेंगे, वो एन सी आर है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, वो आपका एन सी आर है। एन पी आर में आपका क्या है, अरेंजमेंट, आपका परम्यूटेशन मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा बस। सिलेक्शन में हम लोग कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग चीजों को सिलेक्ट करेंगे फिर अरेंज करेंगे। जैसे आपके पास एट ऑब्जेक्ट्स, मैं बोलूं आप इसमें से फाइव को आपको क्या करना है, वर्ड बनाना है, फाइव लेटर से वर्ड बनाना है आपको, एट लेटर गिवन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइव लेटर्स को सिलेक्ट करेंगे, कौन से फाइव लेटर को सिलेक्ट करेंगे, एट सी फाइव, फिर उसके बाद अब उसको अरेंज कर देंगे इनटू फाइव फैक्टोरियल से, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर आप डायरेक्ट लगाएंगे एन में से यार, अगर सभी आपके डिफरेंट हैं तो कितना लिख देंगे आप, एट पी फाइव। चलिए वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एनपीआर में आप लोग ये लिख लीजिएगा, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। चलिए देखिए, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे जब आपको सभी ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे, जैसे हम लोगों ने एक वर्ड लिया था क्राय, इससे कितने वर्ड बन रहे थे, सी आर वाई, थ्री लेटर्स थे, तीनों आपके क्या थे, डिस्टिंक्ट थे, सी आर वाई, तो ये आपके सिक्स वर्ड बन रहे थे। एक बार से इन दोनों को इंटरचेंज किया, फिर पहले पे आर को रखा, इन दोनों को इंटरचेंज किया, फिर उसके बाद वाई को रखा, इन दोनों को इंटरचेंज किया। अभी मैं आपसे बोल दूं ए डबल एल ऑल एक शब्द है, अब आप इनसे कितने वर्ड बनाएंगे, इन थ्री लेटर से आप कितने वर्ड बनाएंगे, अब आपके सिक्स बनेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको हम मैं एक कुछ देर के लिए बोल देता हूँ एल वन एल टू, L1, L2 तो कुछ होता नहीं है, L आपके लेटर हैं सेम होंगे, चलिए मैं फिर भी बोल देता हूँ, एक बार क्या करूँगा इन दोनों को चेंज कर दूंगा, A, L2, L1, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक बार L1 को आगे लाऊंगा, A, L2, फिर उसके बाद L1 ऐसे ही रहेगा आपका, ये दो इंटरचेंज हो जाएगा, L2, A, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, L2 को आगे लाऊंगा, L2 को, A, L1, उसके बाद मैंने क्या किया, L2, L1, A, L1, L2 आपके सेम हैं, L1, L2 आपके कैसे हैं, सेम है, तो आपके कितने वर्ड्स बने हैं आप लोग देखिएगा, A, L, L, यहाँ पे भी A, L, L, A, L, L यहाँ पे भी है, A, L, L यहाँ पे भी है। L2, L1 मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ, L2, L1 means L, L2, L1 means L। अब यहाँ पे देखिए L1, A, L2, L1, L2, A, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एल ए एल है और ये आपका एल एल ए है, ये आपका दोनों डिस्टिंक्ट है, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे देखिए एल ए एल, एल ए एल, इन दोनों में देखिएगा एल वन ए एल टू, एल टू यहाँ पे आ गया, ए एल वन, एल वन एल टू तो आपके सेम है ना, एल एल था, मैंने आपको समझाने के लिए एल वन एल टू लिखा है, तो इन दोनों में से एक लिखेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये आपके दोनों कैसे हैं, सेम है। अब इन दोनों में देखिए L1 L2 A, L2 L1 A, L1 L2 L2 L1 दोनों सेम है आपके, L L A ये भी लिखा है, L L A ये भी लिखा है, तीन दो में से आप कितना लेंगे, एक लेंगे, मीन्स आपके कितने वर्ड बन गए, थ्री वर्ड्स। एक आप इसमें से कोई एक लिख लीजिए, एक आप इसमें से लिख लीजिए, एक आप इसमें से लिख लीजिए, तो कितने वर्ड आपके बन गए, थ्री। यहाँ पे कितने बन रहे थे, सिक्स,
थ्री लेटर्स यहाँ भी थे, थ्री लेटर्स यहाँ भी थे, यहाँ पे आपके सभी लेटर्स डिस्टिंग थे, यहाँ पे आपके लेटर्स कैसे कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे। कॉन्सेप्ट यही है, अगर आप आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से p ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, आपके पास मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से p ऑब्जेक्ट्स एक तरीके के हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं और p ऑब्जेक्ट्स आपके एक तरीके के हैं, l L आपके, आप देखिए दो L है, आपके पास कितने L है, दो L है आपके पास, तो आपका ये क्या हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट्स आपके एक जैसे हैं, तो P कितना हो गया, टू। यही बोला गया है अगर आपके पास N ऑब्जेक्ट्स हैं, P एक जैसे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, N फैक्टोरियल अपॉन P फैक्टोरियल, ऊपर यही लिखा है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स व्हेन पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, मींस आपके ये वर्ड कैसे हैं, दो लेटर आपके एक जैसे हैं, तो हमने मैं क्या करूंगा इसको लिखने के लिए, थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल। टोटल तो थ्री वर्ड्स थे आपके, थ्री लेटर्स थे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री ऑब्जेक्ट्स थे, तो हमने थ्री फैक्टोरियल लिख दिया, और जितने आपके एक तरीके थे हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अभी मान लीजिए आपके पास स्मॉल होता एस एम ए डबल एल, आप इसको कैसे करते, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव फैक्टोरियल अपॉन, आपके ये दो एल कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो क्या करेंगे आप इसको टू फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल। अभी मान लीजिए आपके पास अब कई सारे वर्ड आ रहे हैं, कई सारे वर्ड रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कभी कोई वर्ड ले लूँ, अभी प्रतापगढ़ ले लेता हूँ मैं, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में आप लोग देखिए, अब इसमें आप लोग देखिए पी दो बार रिपीट कर रहा है, पी पी, उसके बाद ए कितनी बार रिपीट कर रहा है, वन टू थ्री, ए आपके थ्री टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आई टी जी एच, आर टी जी एच, इतने ही तो हैं, दो तीन पाँच चार नौ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, एक छूट रहा है कोई, आर दो बार है, आर आपका टू टाइम्स है, आर आपका टू टाइम्स है, आर आपके टू टाइम्स हो जाएगा, तो क्या बचा, टी और एच, टी जी एच, यही तो हुआ आपके। अब आप यहाँ पे देखिए कितने लेटर्स थे आपके पास, कितने ऑब्जेक्ट्स थे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन ऑब्जेक्ट्स थे, लेकिन टेन फैक्टोरियल आपके पी, ये ऑब्जेक्ट्स दो आपके कैसे हैं, दो लेटर्स आपके एक जैसे हैं, तीन लेटर्स आपके एक जैसे हैं, फिर से दो लेटर आपके एक जैसे हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जनरलाइज करके मैं आपको एक लाइन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं जनरलाइज करके यही लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग को समझ में आएगा, लिख लीजिए आप लोग इसको। देखिए एक मिनट और लगेगा, ये पॉइंट आप लोग समझ गए थे, मैंने आपको यहाँ पे समझाया था प्रतापगढ़ का एग्जांपल देके, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी वन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड, पी टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेकंड काइंड, पी थ्री ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थर्ड काइंड, पी फोर ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फोर्थ काइंड, ऐसे ऐसे आपका पी ऑफ के आर ऑफ द केएथ काइंड एंड द रेस्ट, अगर कोई भी व्यवस्था अगर डिफरेंट है आपका, तो कितना हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपन पी वन फैक्टोरियल, पी टू फैक्टोरियल, पी के फैक्टोरियल, ये सब आपके क्या है, जितने आपके बार मीन्स रिपीट कर रहे हैं। ये अब हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, परमुटेशन वेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपके कुछ रिपीट कर रहे होंगे, जैसे मैंने आपको अभी क्या एग्जाम्पल दिया था, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में पी कितनी बार आ रहा है, दो बार, आर कितनी बार आ रहा है, दो, ए कितनी बार आ रहा है, तीन, अगर आपका टेन अभी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लेटर्स के वर्ड होते, डिस्टिंक्ट लेटर के वर्ड्स होते, तो आप सीधा सीधा क्या लिख देते, टेन फैक्टोरियल, आप सीधा सीधा टेन फैक्टोरियल लिखते ना। अब आपके जो यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, आपके पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, दस ऑब्जेक्ट्स है, तो हमने टेन फैक्टोरियल लिख दिया, अपॉन ये दो रिपीट कर रहे थे, दो फैक्टोरियल, इनके लिए पी के लिए दो फैक्टोरियल, आर के लिए दो फैक्टोरियल, ए के लिए थ्री फैक्टोरियल, ये आपके डिफरेंट ही है। अगर ऐसे आपके और रिपीट कर रहे होते, अभी टी भी दो बार होता है, टी टी, तो एक बार दो फैक्टोरियल में और लिखता, मान लीजिए जी आपका फोर टाइम्स होता, जी 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 जी, तो मैं फोर फैक्टोरियल से ऑल डिवाइड करता। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, जब आपके पास एन ऑब्जेक्ट्स हो, पी वन ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो, पी टू ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हो, ऐसे ऐसे आपके पास जितने भी तरीके के हो, आप टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं फैक्टोरियल अपॉन दिस आप कर सकते हैं। तो ये था आपके, ये नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोगों को और क्लियरिटी होगी, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी मैंने आपको एग्जांपल ये कराया है, आप लोग इसको एग्जांपल में लिख लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।